कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने की सबसे बड़ी वजह रही माननीय राहुल गांधी जी की नीतियाँ और उनके वादे जो उन्होंने अभी कर्नाटक में किया और राज्यों में राजस्थान में किया, अपने वादों को पूरा किया राजस्थान में और कर्नाटक में जो वादे किए थे उनको पहले ही कैबिनेट में लागू किया। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से रुझान बढ़ाया और जुड़े हैं। नौजवानों के लिए ये है कि देखिए बेरोजगारी से बहुत सताया हुआ युवा है इस देश का और हम लोग चाहते हैं कि माननीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना के और युवाओं का भविष्य बेहतर करने के लिए उनके साथ जुड़े और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। देखिए कांग्रेस की सबसे बड़ी बात ये है कि जो अपने वादे वो आज से नहीं हमेशा से करती चली आई है, उसने जो वादे किए उनको हमेशा पूरा किया है और हम सभी नौजवानों का और युवाओं का ये भरोसा है कि जो वादे और जो नीतियाँ वो युवाओं के लिए लाएंगे इस आने वाले 2024 के चुनाव में उन सबको माननीय राहुल गांधी जी ज़रूर पूरा कराएंगे। 2024 में क्या सहयोग रहेगा? हम लोग युवाओं के साथ माननीय राहुल गांधी जी के कंधे से कंधा मिलाकर उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे और उनके लिए आगे जो है उनकी नीतियों को युवाओं तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत अहम सवाल है, नफरत की जो राजनीति हो रही है उसको कैसे देखते, कैसे मिटाएंगे? देखिए नफरत की राजनीति में सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने आज तक सिर्फ देश को तोड़ने का काम किया है और कांग्रेस पार्टी और माननीय राहुल गांधी जी जोड़ने का काम कर रहे हैं। मोहब्बत से ही देश चलेगा और देश का उज्ज्वल भविष्य होगा और हम युवाओं का और नौजवानों का भविष्य बेहतर बनेगा। नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे? नौजवानों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय राहुल गांधी जी के साथ आएँ, कांग्रेस पार्टी से जुड़े और उनके हाथों को मजबूत करें और अपने भविष्य को उज्जवल और अच्छा करें।